नमस्कार तुला राशि वालों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ भवानी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों इससे बड़ा शुभ संकेत आपने आज तक नहीं देखा होगा। जी हाँ तुला राशि वालों, आज शाम 4 बजे से आपकी जिंदगी में बवाल मचने वाला है। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो अपने लाइफ से परेशान हो चुके हैं और अपनी जीवन काल से बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, क्योंकि तुला राशि वालों आज की इस वीडियो में वह बातें बताने वाले हैं, वह जानकारी देने वाले हैं जो कि तुला राशि वालों आपकी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। जी हाँ तुला राशि वालों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर और आप सभी के फायदे के लिए बनाई गई है। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस बात की गारंटी है तुला राशि वालों कि आपके समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। और दोस्तों आज की यह वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगा, जो कि दोस्तों आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। जी हाँ तुला राशि वालों, इसलिए दोस्तों हमारी आपसे बस इतना ही विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। तुला राशि वालों, हिंदू धर्म के अनुसार और पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी को सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति भाव से पूजा प्रार्थना करने से उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी को प्रसन्न करने से इससे माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और यही कारण है कि उनका घर कभी खाली नहीं होता है और उनका घर धन दौलत से हमेशा भरा रहता है। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज की जो बातें बताने वाले ही से आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों एक बात आप सभी को बता दें कि आप जब भी धन की देवी माँ लक्ष्मी को पूजा आराधना करें तो साथ ही साथ भगवान विष्णु महाराज जी को भी जरूर याद करें, क्योंकि तुला राशि वालों दोनों ही धन के मालिक हैं, धन के देवता हैं। इतना ही नहीं तुला राशि वालों, देखिए व्यक्ति माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु महाराज जी की जो विधि विधान से पूजा करते हैं उनके संकट तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ उनके जीवन में पैसों की समस्या कभी नहीं होती है। उन्हें हर तरफ से देखिए कुछ ना कुछ धन आगमन होते रहता है, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में सदैव वास करती है। इतना ही नहीं तुला राशि वालों, इनके अंत में हम उपाय भी बताए हैं जो कि उपाय माँ लक्ष्मी और विष्णु महाराज जी से संबंधित है। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों उससे पहले अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु महाराज जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यह समय से आप सभी के जीवन काल में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, कौन कौन से शुभ संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक अनमोल विचार आप सभी के लिए, जिंदगी झूले की तरह होता है, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है वो उतना आगे भी जाता है, एकदम बराबर, ना आगे ना पीछे। ठीक उसी तरह अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो सुख भी जरूर आएगा। बस अपना विश्वास उस भगवान पर बनाए रखना, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जब बच्चा हवा में उछाला जाता है तो वह डरने की बजाय हंसता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक उसी तरह से भगवान पर भी हमें भरोसा रखनी है, भगवान भी हमें कभी न गिरने देंगे और न ही कभी ठोकर लगने देंगे। दोस्तों सबका मालिक वही है, वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तुला राशि वालों, बात अगर आपको समझ आई हो और भगवान पर अगर आपको विश्वास है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दोस्तों भगवान विष्णु महाराज और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह समय से व्यापार कर रहे लोगों के लिए किसी नई डील को लेकर आ सकता है।
आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन काफी ज्यादा उत्तम रहने वाला है और आपके अधिकारियों को कार्यों में प्रसन्न भी कर सकती हैं। इस दौरान आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे कि यदि धन संबंधित कुछ समस्याएं आपको चली आ रही थी और आपको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी तो उनसे भी अब आपको छुटकारा मिल सकता है। आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकती हैं जहां आपको किसी से तोल मोल कर बोलना बेहतर रहेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकती हैं और किसी समस्या से आसानी से निपट जाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे यह समय आपके व्यापार में चल रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला समय रहेगा और इस समय छोटे मोटे व्यापारियों को भी अच्छा खासा मुनाफा लाभ हो सकता है। इसके उपरांत आज का दिन कुछ समय परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में समय व्यतीत करेंगे और छोटे बच्चे भी आपसे काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, लेकिन उनकी आपको जो है भावनाओं को समझना होगा जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे यह समय काम में व्यस्त रहने के कारण संतान की बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे जिससे वह आपसे नाराज हो सकता है। इसके उपरांत कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियों से अभी आपको मित्र की मदद से जो है समस्या समाप्त हो सकता है। ऑनलाइन में इस समय आपको ज्यादा लाभ दे सकता है। अगर कोई सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय काफी ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी यह समय अगर आप धन का लेन देन कर रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। धन के लेन देन के मामले में अभी आप सावधान रहने होंगे। इसके उपरांत कोई भी धन उधार मांगे तो वह परिवार के किसी सदस्य से बातचीत करके ही दें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। लोगों के साथ जो है इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करेंगे जिससे आपके काफी काम जो है लटक सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कोई काम का बोझ होने के कारण आप जो है थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशानी इनका समाधान नहीं है। आपको जो है सच्चे मन तन मन से कार्यों में समय लगानी है ताकि दोस्तों कार्य आपका जो है पूरी तरह से संपन्न हो। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आपको कुछ समय माता पिता के साथ समय व्यतीत करने से मानसिक शांति मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों खास उपाय की अगर बात करें तो गुरुवार को केसर पीला चंदन या फिर हल्दी का भी दान करना आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है जिससे आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बस इन्हें तिलक के रूप में माथे से भी लाभ लगा लें, आपको इसमें काफी ज्यादा लाभ मिलेगा।